लेकिन बाजार में एक जो ट्रेंड लगातार मजबूत है वो है प्रॉपर्टी स्टॉक्स का, और हम देख रहे हैं कि आज भी डीएलएफ का शेयर चला है, अच्छे से चला है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंच गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हम तेजी देख रहे हैं। डीएलएफ जय, आप बताइए अभी आप कितनी तेजी देख रहे हैं और क्या इसमें भी मौके बन सकते हैं मौजूदा लेवल से, या फिर थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं इतनी बड़ी रैली के बाद? अभिषेक जी, जिस तरह से घर बिक रहे अराउंड 7-7 हजार करोड़ के, अराउंड 36-72 घंटे में बिक रहे घर, तो डेफिनेटली मोमेंटम काफी तेज है इन्वेस्टर्स के साइड। इवन स्टॉक में भी हम देखें तो कंटिन्यूसली ये मोमेंटम जारी रह रहा है। 377 अराउंड 350 से लेकर अभी तक 800 रुपए तक काफी अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन रहा। सो इवन मुझे लग रहा है कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ हो चुका है तो होल्ड जिसके पास है ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं, और जो नई ट्रेड ले रहे हैं वो अराउंड 760 का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक काफी अच्छा है बट अभी इतना बढ़ चुका है तो थोड़ा कॉशियसनेस के साथ ट्रेड करने की सलाह रहेगी। तो इस वक्त कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, सभी गुड को वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। वेल मार्केट्स में देखिए तो लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से करेक्टिव फेज है, और हमें लग रहा है कि करेक्टिव फेज अभी भी कंटिन्यूड है। अब जब करेक्शंस आता है तो दो प्रकार के करेक्शंस होते हैं, या तो हम प्राइस वाइज करेक्शन देखते हैं या टाइम वाइज करेक्शन देखते हैं। सो आइडियली जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स आते हैं, हम 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं कि जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो निफ्टी ने अब तक तोड़े नहीं है। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं टूटते तब तक हम इसे टाइम वाइज करेक्शन तरीके से देखेंगे विद इन एन अपट्रेंड, जहां पे 21,500 से 21,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस कहा जाएगा। आप ओपन इंटरेस्ट पे देखिए तो 21,500 के पुट में हुआ ही है, 21,400 के आसपास 20 डे EMA है। तो ये रेंज जब जब आएगी नीचे तो वहां पे आपको फिर से इंडेक्स में बाइंग देखी जाएगी। लेकिन जैसे आज हमने देखा कि हायर लेवल्स पे जब यहाँ से रिकवरी आई है तो रिकवरी में इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ या बड़े लॉन्ग बिल्टअप कोई इंडेक्स में नहीं हो रहे। इनफैक्ट ऑप्शंस में देखें तो लास्ट आधे एक घंटे में 21,700 के कॉल ऑप्शन में जो परसों एक्सपायरी है उसमें अच्छी खासी राइटिंग हुई है। सो आई थिंक मार्केट की एक ब्रॉड रेंज बना देगा, 21,500-400 बाइंग रेंज बन जाएगी, 21,700-800 सेलिंग की रेंज बन जाएगी। सो आई थिंक इसी में कंसोलिडेशन या जैसे मैंने कहा कि टाइम वाइज करेक्शन विद इन एन अपट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो यानी हम थोड़ा समय बिता सकते हैं इस इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए थोड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमें यही हेल्प करेंगे कि आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जहाँ पैसा बनना चाहिए। अब जय पटेल हमें बताएंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज, चाहे वो बाय साइड के हों चाहे वो सेल साइड के हों। जय, गुड आफ्टरनून, बताएं आपके आइडियाज। जय प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, डिंपी जी, अभिषेक जी। तो आज निफ्टी ने काफी वोलेटिलिटी दिखाई बट फिर भी मुझे लग रहा है एक तिलक नगर इंडस्ट्रीज अभी के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जो सपोर्ट जोन था उसके ऊपर से काफी एक ब्रेकआउट आया आज के दिन में, थोड़ा फिजल आउट हुआ ऊपर से बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये रैली कैरी ऑन हो सकती है। ये स्टॉक में टारगेट के तौर पर यहाँ से मुझे लग रहा है 275 वुड बी इनिशियल टारगेट, जो यहाँ से रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और जो टॉप आउट हो चुका था वो वाला रेजिस्टेंस वापस से आ सकता है, तो 275 एक रेजिस्टेंस बन सकता है और अराउंड 249 का स्टॉप लॉस रखी ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। RSI के साइड से काफी मॉडरेट जोन से अपसाइड ये स्टॉक दिखा रहा है और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी था, तो मुझे काफी कन्विक्शन आ रहा है ये स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक है वो GNFC पर होगा। GNFC की बात करें तो आज के दिन में जो सपोर्ट एरिया था काफी गिरावट के बाद ये स्टॉक वापस से अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहा है, सो यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। डेली चार्ट पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस आ रहा है, वॉल्यूम काफी था पिछले 2-3 दिनों से, सो 2765 के अराउंड भाव चल रहा है, अराउंड 795 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर 742 का स्टॉप लॉस ये स्टॉक में बेहतर रहेगा रखने। ठीक है, GNFC और तिलक नगर इंडस्ट्रीज दोनों बाय साइड के ट्रेड हैं। रुचित, आप बताएं आपके आइडियाज। स्टॉक्स मेरी तरफ से भी खरीदारी के लिए है। मेरा पहला पिक है जो क्यूमिंस इंडिया में है। तो ये एंटायर स्पेस अगर देखे तो नो कैपिटल गुड सेगमेंट में जो आउट परफॉर्मेंस या अच्छे वॉल्यूम्स हुए इससे लग रहा है हमें कि आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जो लास्ट आधे घंटे में आई डिप है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी तरीके से लेना चाहिए खरीदारी के लिए। 2,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 2,120 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते। और मेरी दूसरी पिक है PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। सो यहाँ पे अगर पोजिशनली देखिए तो स्टॉक में अच्छी तेजी दिसंबर के पहले सप्ताह तक हुई थी, और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो प्राइस अपमूव आया था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुए थे। दिसंबर 5th से और लास्ट एक महीने से स्टॉक का हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट सेलिंग में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शंस में वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं। सो आई थिंक ये काफी अच्छे करेक्शंस में अपॉर्चुनिटी
बनते हैं ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी के लिए, तो यहाँ पे भी डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। इसके लिए पीसीबीएल 260 के स्टॉप लॉस एक नो खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 280 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सारे ट्रेडिंग आइडियाज आ गए मेजरली फ्रॉम द मिड कैप ब्रॉडर मार्केट से ही आपको दोनों आइडियाज़, दोनों एक्सपर्ट्स ने आइडियाज़ जो दिए हैं वो ब्रॉडर मार्केट से ही हैं। अब एक अभिषेक बासु मलिक से भी बाजार पर एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। अभिषेक, अब अर्निंग्स पर भी जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस को देख रहे हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग मूव है। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल को देखें, जिस तरह के Q2 नंबर्स रहे थे और अब Q3 में भी अब आप अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन, इनफैक्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ डेटा बहुत अच्छा आया। जिन जिन कंपनीज के एक्सपोर्ट डेटा अच्छे आए हैं, जहाँ ग्रोथ सस्टेनेबल दिख रही है, वहाँ पर अच्छी मूव है। Q3 के लिहाज से आप इस वक्त बाजार को कौन कौन से सेक्टर्स को एक पॉजिटिव नजरिए से अप्रोच करने की सलाह देंगे, और साथ ही जहाँ पर नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है? देखिए, आपने सही कहा, जैसे जो जो सेक्टर्स में पॉजिटिव अर्निंग्स आने की संभावना है, जैसे कि आपने टेक्सटाइल्स कहा, या सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये सब सारे सेक्टर्स में अच्छी उम्मीद है हमारे कि Q3 में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन उस सिर्फ रिजल्ट्स का देख के नहीं होगा, आपको इसके साथ वैल्यूएशंस और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी देखना चाहिए हमको। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी कंजर्वेटिव वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, लीवरेज वगैरह एकदम भी कम कर देना चाहिए, और एटलीस्ट ये महीना और एक दो महीना थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके, बिकॉज मार्केट एकदम हाई लेवल पे है, बहुत ज्यादा पैसा आसानी से बन रहा है, तो मेरे लिए एज अ फंडामेंटल पर्सन वो थोड़ा हमेशा कॉशनरी टेल होता है कि जब सारे लोग बहुत आसानी से पैसा बनाते हैं तो वो कभी कभी हम देखते हैं कि एक टेम्पररी टॉप बनने की एक इंडिकेशन होता है, तो मार्केट पोजिशनिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए। बाजार पर ये व्यू, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से, कहां पर आपका फोकस है सर, क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? तो अभिषेक जी देखे तो अभी पिछले 10-15 मिनट में देखे तो एक शार्प डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, लेकिन जहां पे आउट परफॉर्मेंस बना है, जिन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहां पे देखने को मिला है, वहां स्टॉक्स पे हमने बाइंग की ही सलाह है। तो दो स्टॉक आइडिया यहां पे आइडेंटिफाई किए, पहला स्टॉक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंट्स का, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी, और अब जिस तरीके के आज के सेशन में स्टॉक ने मोमेंटम लिया है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है सीमेंट्स को यहाँ पे बाई किया जा सकता है 42-60 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 41-45 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रेक्टिव लग रहा है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी के बाद स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लास्ट वीक में देखने को मिले थे और करंट वीक में भी एक फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा, 485-490 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 460 के आसपास। ठीक है, तो ये शेयर राजेश जी की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स का जो व्यू है, चूंकि कैपिटल गुड्स में आज अच्छी खासी रौनक है, सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर कन्विक्शन भी आ रहा है, तो ट्रेंड को अपना साथी बना के चल। स्टॉक्स जरा और चेक करवा लेते हैं, राजेश सर से पता करवाते हैं। राजेश सर, ये PNB गिल्ट नीचे चल रहा है बजिंग स्टॉक्स के तौर पर, ये कैश का काउंटर जरा चेक करना। खबर मार्केट के अंदर ये है कि कुछ कुछ सेटअप ब्लूमबर्ग और कई अलग अलग बॉन्ड्स के जरिए भारत में करना चाहते हैं, उसके PNB गिल्ट इकलौती कंपनी है, इसका PRB अवेलेबल नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं मिलता, तो जरा देख के बताना और कितना चलेगा ये। तो डिम्पी जी देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में जिनके पास भी पोजीशन है, 106-107 रुपए के लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल पे अगर ये होल्ड आउट करता है, 107 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक में मोमेंटम जो 125-130 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है, तो 107 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर रैली और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले।
ठीक है, रैली एक्सटेंड होगी, इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे हमने ब्लूमबर्ग वाली खबर अभी आपको दिखाई हुई थी, इसको ज़रा विस्तार से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि पॉलिसी या फिर उसको लेकर ऐसी कई बार खबरें आ जाती हैं कि वो एक दिन का रिएक्शन नहीं होता, वो कई दिन तक वो रिएक्ट करते हैं उस पर वो शेयर्स। कुछ कुछ ऐसा ही PNB गिल्ड्स को देख के इस बार लग रहा है। तो एक बार पूजा से समझ लेते हैं पूरा माजरा क्या है। पूजा आप बताएं जरा। आप जी, PNB गिल्स का शेयर है आज फोकस में, और इसके पीछे वजह यह है कि ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। सितंबर 2024 से सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब इसमें और भी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 5 चरणों में इस इंक्लूजन होने की संभावना बताई जा रही है। चीन, दक्षिण कोरिया की करेंसी के बाद रुपया सबसे बड़ा अब की कंपोनेंट सामने निकल कर आ रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले JP Morgan ने भी सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की बात यहाँ पर की थी, भारत के सरकारी बॉन्ड के इंक्लूजन की यहाँ पर बात की थी, जिसके जरिए करीब करीब $21 बिलियन के निवेश आने की संभावना बताई जा रही थी, और ये जून 28 जून से इसकी शुरुआत होने की बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि PNB गिल्स के शेयर में तेज़ी। अब इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि PNB गिल्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डील करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉरपोरेट बॉन्ड का काम ये करती है। और 1996 में PNB की 100% सब्सिडरी के तौर पर शुरुआत हुई थी, जिसमें कि RBI की डीलरशिप लाइसेंस पाने वाली शुरुआती कुछ 6 कंपनियों में से एक थी। तो PNB गिल्स एक बड़ा प्लेयर है इस पूरे फील्ड में, और ब्लूमबर्ग और JP Morgan की तरफ से जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से घोषणा हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा ये खबर पूरी हमें समझाने के लिए। लेकिन